आज तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? तड़प देखकर लगता है कि यही तेरे माँ बाप हैं। सुना है इनको किसी ने हलाल करके हराम की मौत मार दिया। मेरे नौजवान, मेरे वीर हनुमान, मेरे पहलवानों के पहलवान, ये फाइट किस फिल्म की कॉपी थी? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना। मुझे? मैं शांति प्रसाद, केयर ऑफ खंडाला, विल्टन कैसीनो का मालिक। तुम्हारे लिए मेरे पास एक महान काम है। तुम्हारे इन हाथों से मुझे कुछ गुंडों की रिपेयरिंग करवानी है। तुम ऐसा करो, खंडाला में आ जाओ, मुझसे मिलो, मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस दूंगा। ये मेरा कार्ड। दूसरा, मुझे ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी भी दिलचस्पी हो सकती है। जाने से पहले एक बिन मांगा मशवरा देता हूं, कभी किसी का कार्ड मत फाड़ना। पता नहीं कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए। ये मेरा तीसरा कार्ड, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कभी खंडाला आना हुआ तो मुझे इस पते पर आकर मिल लेना। एक बात और, मुझे तुम्हारे कार्ड फाड़ने का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसे पहचानते हैं आप? बाबू? हाँ बाबू, बहुत दिनों से इस कातिल की तलाश है। कहाँ है वो? लेकिन ये तो आज सुबह ही रिहा हो गया। जेल की कैद से तो रिहा हो गया, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बच सकता। सर, ये रहा मेरा कार्ड। अगर कभी आपको बाबू मिल जाए तो उसे मेरा कार्ड दे देना। ओके, थैंक यू। बाबू, तुम्हें ढूंढता हुआ विजय नाम का एक लड़का आया था। बाबू, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत देखी तुम्हारे लिए। ऐसा लगा कि अगर तुम उसके सामने आए तो वो तुम्हें जान से मार देगा। कल जेल से रिहा होते ही यहां से इतनी दूर चले जाओ कि पिछली जिंदगी का साया भी तुम्हें छू ना पाए। आखिर मुझे ढूंढता हुआ जूनियर यहां तक पहुंच गया। हेलो। अगर तुम बाबू से मिलना चाहते हो तो कल बैंडस्टैंड के समुद्र किनारे आ जाना। कौन बोल रहा है? बाबू। बाबू? हेलो हेलो, डैम इट। अगर तुम्हारी उंगली भी उठी तो मैं गुरु और चेले का रिश्ता हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। जूनियर, किस गुरु की बात कर रहे हो तुम? तुमसे मैंने अपने जिस परिवार की रक्षा की ट्रेनिंग ली थी, तुमने मेरे उसी परिवार को मार डाला। तुम तो मेरे डैडी के सिक्योरिटी ऑफिसर थे,
और तुमने उन्हीं को मार डाला। झूठ है ये, बकवास है सब। मुझे तो खुद फंसाया गया था। अगर तू अब भी सोचता है कि मैंने तेरे परिवार को खत्म किया है तो ये ले बंदूक, चला दे गोली, जान से मार डाल मुझे। मगर एक बात याद रखना, अगर मैं मर गया तो तू अपने परिवार के कातिलों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। गुरु अपने चेलों को राह दिखाता है, गुमराह नहीं करता। जूनियर, मुझे तो खुद इस अपराध के विषाद का मोहरा बना गया था। हाँ, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब तुम बंबई हॉस्टल चले गए थे। वहां कलेक्टर साहब दौरे पे गए हुए थे। उन्हें पता चल चुका था कि कुछ अपराधी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पुलिस को भी जांच पड़ताल करने की इजाजत दी जा चुकी थी। हमेशा की तरह मैं उस दिन विवाह में शराब पीने चला गया था। वो ठीक बोला यार, क्या बोला गुरु, झकास। तुम्हारे लिए एक खास ऑर्डर है। क्या? सर्किट हाउस में जो कलेक्टर ठहरा हुआ है, कल को निकलने वाला बाहर में कुछ लोगों की बातों से मुझे लगा कि कोई बड़ा ताकतवर आदमी कलेक्टर साहब का कत्ल करना चाहता है। कलेक्टर काम तमाम हो जाएगा, इसलिए मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अच्छा हुआ जो तुम सीधे मेरे पास आ गए। मैं अभी कलेक्टर साहब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूं और उन लोगों को अरेस्ट भी करता हूं। तुम जाओ, कलेक्टर साहब की हिफाजत हमारा फर्ज है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी इंस्पेक्टर साहब। अरे मेरी सिगरेट। तुम्हारा प्लान लीक हो गया है। अभी अभी कलेक्टर खन्ना का सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया था। तुम्हें प्लान बदलना होगा। जो कल करना था वो आज कर डालो। तुम्हें बताना मेरा फर्ज था गिरदारी। कमीने, गद्दार, कानून ने तुझे लोगों की हिफाजत करने के लिए ये वर्दी दी है और तू इसी की आड़ में गद्दारी कर रहा है। इस तरह कानून के रखवालों ने ही कानून की खिलाफत करके मुझे कलेक्टर साहब के खून के इल्जाम में फंसा दिया। जेल पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि एक हादसे में उस कमीने इंस्पेक्टर की भी मौत हो चुकी थी। अब कलेक्टर साहब के हत्यारे तक पहुंचने के लिए एक ही कड़ी बची है और उस कड़ी का नाम है गिरधारी। और जिस दिन वो मुझे मिलेगा, समझो फासला खत्म। फिलहाल आप मुझे इतना बता दीजिए कि गिरधारी कहां मिलेगा। खंडाला। तो फिर हम सुबह ही रवाना होंगे। खंडाला तो तू तब जाएगा जब कल का सूरज देखेगा। We'll be right back.
वाह।